Dear students, today we are continuing your chapter number 10, Don't be greedy. Means हमें लालच नहीं करना चाहिए. हमने कल इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि इसमें एक मैक्स नाम का माउस है, चूहा है, उसे एक बड़ा बन मिला है. वो उस बन को बार बार पुश करके अपने घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है क्योंकि बन काफ़ी बड़ा था. इसलिए वो उसे अपने घर के अंदर नहीं ले जा पा रहा था. उसने काफ़ी एफर्ट्स डाले कल, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि उसने अब इसके आगे कितने एफर्ट्स डाले उस बन को अपने घर के अंदर ले जाने के लिए, या फिर क्या क्या किया ताकि वो अपने उस बन को अपने घर के अंदर ले जा सके. I will tie a string around the bun and pull it into my house, said Max to himself. Max ने अपने आप से क्या कहा कि मैं इसमें एक स्ट्रिंग मीन्स एक तार बांध दूंगा, टाई मीन्स उसमें गिठान लगा दूंगा जिससे कि मैं उसे खींच के अपने घर के अंदर ले जा सकूं. Max ran into his house to get a string, but the string was too short. Max अपने घर के अंदर गया स्ट्रिंग को लेने के लिए, लेकिन जो स्ट्रिंग था वो बहुत ज़्यादा छोटा सा स्ट्रिंग था. शायद वो उस बन के लिए काफ़ी छोटा पड़ता, तो वो बन उससे बन नहीं पाता. He then tied the bun to a long string and pulled it again and again. फिर उसने उस बन में एक बहुत लंबा लॉन्ग स्ट्रिंग लंबा तार बांधा जिससे वो उस बन को बांध कर खींच सके. सैडली द बन डिड नॉट मूव. वो उसे बार बार खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बन वहाँ से नहीं हिला. मैक्स सैट डाउन एंड एट अ स्मॉल पीस ऑफ द बन. मैक्स नीचे बैठ गया क्योंकि उससे वो बन खींच ही नहीं रहा था, वो उसे ले जा ही नहीं पा रहा था अपने घर के अंदर. तो शायद वो थक चुका था इसलिए वो बैठ गया और उसने उस बन का छोटा सा पीस उसने खा कर देखा. इट वॉज़ वेरी गुड. वो बहुत अच्छा था. दिस बन इज़ सो टेस्टी दैट आई वॉन्ट टू ईट इट ऑल बाय माई सेल्फ ही थॉट. जो बन था ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो मैक्स ने क्या सोचा कि वो पूरा का पूरा बन वो खुद ही खा लेगा. ही एड अ लिटल मोर देन अ लिटल मोर एंड अ लिटल मोर टिल द बन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. उस जो बन था उसे वो थोड़ा सा खा उसने पहले उसे थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ा और खाया, फिर थोड़ा सा पीस और खाया. उसने इसे तब तक खाया जब तक कि वो एक छोटा सा बन नहीं हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स.